दिव्या के पास आना चाहेंगे। दिव्या, क्या चल रहा है पोलिंग बूथ पर? क्या अब वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, दिन चढ़ते ही लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं वोट डालने? बिल्कुल, संख्या बढ़ रही है अभिलाषा, और यहाँ पे मुझे सीनियर सिटीजन्स बड़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। यंगस्टर्स अभी भी नदारद दिख रहे हैं, और मैं अपील करना चाहूँगी, यंगस्टर्स कंपनी मत ढूंढिए, बाहर निकलिए, वोट करिए, बाहर आके आपको कंपनी मिल जाएगी। क्योंकि सीनियर सिटीजन मुझे बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, और एक सुखद तस्वीर मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि जो भी वोट डाल के आ रहा है वो एक सेल्फी ज़रूर खिंचवा रहा है। ये मॉडल पोलिंग बूथ है, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। 13,500 पोलिंग सेंटर है, केवल 68 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें मॉडल बनाया गया है, और 68 पिंक बूथ हैं। चलिए सेल्फी पॉइंट पे जाऊं, इससे पहले मैं सीनियर सिटीजन के पास आती हूं। सर, क्या मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है जी। हाँ। और क्या क्या आपको लगता है कौन से इश्यूज हैं जिन्हें ध्यान में रखकर वोट किया है? बस ध्यान में कि ये जो जनरल चीज़ें हैं, आपकी रोड्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पर इनको एम्फेसाइज करना चाहिए, ना कि अपना पर डेली ऐड दें और उसके नीचे फ़ोटो छुपवाएं। वो कम कभी कभी होनी चाहिए, लेकिन ये जो जनरल वेलफेयर के हैं, हाँ, वो होना चाहिए। बिल्कुल, और ये सारी रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो यहाँ सारे वो लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। क्या लगता है कौन से मुद्दे आपके ध्यान में थे जब आप वोट दे रहे थे? मैडम देखिए, सबसे मुद्दा जो है, दिल्ली में हम पैदा हुए और अभी 60 इयर्स के करीब हमारा एज है, और अभी तक हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने का। ठीक है, जो हमारे को ड्रिंकिंग वाटर, कोई भी पार्टी है, ये सब एक जैसी हैं, जब इनका चांस मिलता है चेंज कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक मुद्दों के ऊपर आप विकास, अच्छा, पानी को लेकर कहेंगे कि वो तो जल बोर्ड की समस्या है। नहीं, जल बोर्ड के सेंटर या स्टेट को देखना पड़ेगा ना कि हमारी पॉपुलेशन वहाँ पर बिठाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। मैम, आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे आपके जहन में थे? हमारे मुद्दे तो ये हैं, जनानी कोई सेफ नहीं है। अच्छा। हाँ, ना पुलिस का इंतजाम है, ना किसी चीज़ का है, और सबको डर लगता है, और ना बुजुर्गों के लिए कोई सहूलियत है। अच्छा, सिक्योरिटी दिव्या एक है मसला, जिसको हमने भी कुछ गर्ल्स को भी सुना, उन्होंने उठाया, और ये महिला वोटर वहां पहुंची, इन्होंने भी इस इशू को वहां पर रेज किया है। मैं आती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।